नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 का सवाल है क्वेश्चन इज चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेज एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ टू एल अ सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी हमें बताना है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलॉन्ग द सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ सी आर डी विल बी और डी हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि उतना ही डिस्टेंस होगा जितना बी और सी का डिस्टेंस है हाँ लाइट सो सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि ये आपका एक पॉइंट ए या आपका पॉइंट बी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है टू एल यहाँ पर आपका पॉइंट सी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एल एक पार्टिकल को हम यहाँ से सेमी सर्कुलर पाथ से इस पॉइंट पे लेके गए डी और यहाँ पे दिया नहीं है एग्जैक्टली बट ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसका पाथ डी की जो लोकेशन है वो भी एल डिस्टेंस पे होएगी हमें ये बताना है कि यहाँ से यहाँ जब पॉइंट को लेके जाएंगे किसी तो प्लस की चार्ज को लेके जाएंगे तो वर्क डन कितना होएगा ना यहाँ पे हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अपनी कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसमें वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा सो so, आपका वर्क डन जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा सो so, यहाँ पे जो आपका वर्क डन होएगा उसको आप लिखेंगे प्लस क्यू जो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा भी यानी कि प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी डी माइनस वी सी हो जाएगा विच इज़ फाइनल पोटेंशियल और माइनस इनिशियल पोटेंशियल अब हमें बस ये करना है कि वी डी और वी सी की वैल्यू निकालनी है ना अगर पहले हम वी की वैल्यू कैलकुलेट करें इस पॉइंट पर जो आपका सी पॉइंट है इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा इस पॉइंट पे क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे पोटेंशियल आपका ज़ीरो आएगा बिकॉज दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमें पता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आप आठ डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिख रहे हैं तो अगर आप यहाँ लिख लेते हैं पोटेंशियल uh, लिख रहे हैं किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से वो के क्यू डिवाइड बाई आर आता है क्यू आपका पॉइंट हो गया आर आपका डिस्टेंस हो जाएगा ना इसकी वजह से वी सी को हम लिख सकते हैं वी सी विल भी इक्वल टू ए की वजह से के प्लस क्यू डिवाइडिड बाय एल प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एल तो इसकी वैल्यू जीरो आ गई बिकॉज ये इक्वे डिस्टेंस था क्यू और माइनस क्यू से नाओ वी डी की अगर आप हाँ बात करेंगे तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस आपका एल 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 थ्री एल हो गया ए पॉइंट से पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय थ्री एल प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एल बिकॉज यहाँ से दूरी आपकी एल है अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम थ्री एल आएगा थ्री यहाँ मल्टीप्लाई होएगा सो so, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस uh, साइन के साथ टू के क्यू डिवाइडेड बाय थ्री एल ये आपका वीडी पे पोटेंशियल हो गया नाउ सिंपल इसको वर्क डन को लिख सकते हैं आप हम तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस क्यू और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे वी डी यानी कि माइनस टू बाय थ्री के क्यू माइनस ज़ीरो तो इसकी जब हम वैल्यू रख लेंगे सो अच्छा ये जो चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू स्मॉल क्यू है हाँ तो यहाँ पे सब कुछ स्मॉल क्यू हो जाएगा इसको स्मॉल क्यू कर देते हैं हाँ सो ये स्मॉल क्यू आ गया सो आपकी फाइनल वैल्यू हो गई माइनस टू बाय थ्री के क्यू क्यू यह अब डिवाइडेड बाई एल एल कहाँ गया एल 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 सो देट विल बी यू आर फाइनल आंसर सो एच आई सी में अगर हम के की वैल्यू रखने लगेंगे इन टर्म्स ऑफ एप्सोलॉट जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें के को के ना करके फोर पा एप्सलॉट के टर्म में लिखा हुआ है so सो उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा फोर पाई एफ्सलॉट एक टू टू कैंसिल हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा क्यू क्यू माइनस एन के साथ डिवाइडेड बाई सिक्स पाए एप्सोनाट एल सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर